नमस्कार। नए साल की मंगल कामनाओं के साथ आइए जानते हैं कि क्या लाया है नया साल आपके जीवन के लिए। प्रख्यात ज्योतिषी आचार्य संजय के अनुसार वृषभ राशि वाले जातकों को जनवरी अप्रैल के शुरुआती दो सप्ताह, मई से जुलाई के अंतिम सप्ताह और साथ ही सितंबर माह में सबसे अधिक भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी राशि में धन प्राप्ति के कई मजबूत योग बनते नजर आ रहे हैं। इसलिए यह समय आपके लिए सबसे अधिक अनुकूल साबित होगा। वृषभ राशि के लिए यह वर्ष सामान्य ही रहने वाला है। आर्थिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष कई बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि जहां सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को घर या वाहन की प्राप्ति होगी, तो वहीं अन्य जातकों के खर्चों में अचानक से वृद्धि दर्ज की जाएगी। मंगल ग्रह की द्वादश भाव में उपस्थिति से धन की हानि होने की भी आशंका बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में अपने धन को संचय करने की ओर अधिक ध्यान दें। वृषभ राशि के छात्रों को मेहनत के अनुसार शनिदेव फल देने का कार्य करेंगे, लेकिन आपको इस वर्ष केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने की सलाह दी जाती है। आप इस समय सफलता तो हासिल करेंगे, लेकिन आप अपनी सफलता से असंतुष्ट रहेंगे। फरवरी तक का समय पारिवारिक जीवन में तनाव लेकर आएगा, हालांकि इसके बाद मार्च में स्थिति काफी बेहतर होगी। इसके बाद गुरु की दृष्टि भी आपके परिवार में तालमेल बढ़ाने का कार्य करेगी। फल कथन 2021 इशारा देता है कि इस वर्ष माता पिता की खराब सेहत में सुधार आएगा। अगर विवाहित जातकों के जीवन को देखें तो पूरे वर्ष केतु का प्रभाव शादीशुदा जातकों को समस्या प्रदान करेगा। इसके साथ ही साल की शुरुआत में शुक्र और मंगल की दृष्टि भी जीवन साथी के साथ विवाद के योग बनाएगी, लेकिन बावजूद इसके आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और आपकी संतान अपना बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होगी। परंतु प्रेम जीवन के लिए यह वर्ष सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको प्रेम जीवन में अनुकूलता प्रदान करेगी। प्रेमी के साथ तालमेल का कुछ अभाव महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ स्थितियां खुद ही बेहतर होती जाएंगी। स्वास्थ्य जीवन के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि राहु केतु मंगल और सूर्य बुध का प्रभाव आपको साल भर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देता रहेगा। अब जानते हैं कि वृषभ राशि के लिए ज्योतिषीय उपाय क्या है। वैवाहिक जीवन में अच्छे फल के लिए सोने या चांदी की अंगूठी के साथ अपने दाहिने हाथ की मध्यिका अनामिका उंगली में उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा अथवा ओपल रत्न धारण करें। 10 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और उनके चरण छूकर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लें। शुक्रवार के दिन गरीबों को मिश्री अथवा बताशे या फिर अन्य कोई सफेद मिठाई का दान करें। ऐसा करने से भाग्य का साथ मिलेगा। हर शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें और गौ माता की सेवा करें, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। वहीं घर की स्त्रियों का सम्मान करते हुए उनके लिए कोई उपहार जरूर लीजिए।